किसी भी अकाउंट में आप पैसा भेज सकते हैं। दोनों ही मतलब पैसे भेजने का एक रास्ता है। आरटीजीएस में क्या है कि जैसे पैसा भेजेंगे धाम से पहुंच जाएगा, उसमें 2 लाख से कम रहेगा तो आरटीजीएस नहीं करते। एनईएफटी में क्या होता है ना, एनईएफटी और आरटीजीएस क्या हो गया, आरटीजीएस नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। दोनों ही चेक्स के माध्यम से पैसे भेजने का एक रास्ता है। बैंक अकाउंट ए से किसी भी अकाउंट में आप पैसा भेज सकते हैं, ये कोई भी बैंक में आप पैसा भेज सकते हैं। आपके पास दो रास्ते हैं, एक है आपका एनईएफटी, क्या है एनईएफटी, और दूसरा है आरटीजीएस में क्या है कि जैसे पैसा भेजेंगे धाम से पहुंच जाएगा, उसमें तुरंत पहुंच जाएगा, रियल टाइम, इधर मारा खट खटाक से इधर पेमेंट मारा उधर पहुंच गया। सबसे तेज पैसा पहुंचाता है आरटीजीएस, तुरंत पहुंचा देगा कौन, आरटीजीएस, जैसे डाले तुरंत पहुंचा देगा आरटीजीएस। एनईएफटी में क्या होता है ना, तुरंत नहीं ले जाता है, ग्रुप बनता है, ग्रुप जैसे आधा घंटा का ग्रुप बन जाएगा कि आधे घंटे में जितना पेमेंट आ रहा है सबको एक ग्रुप बनाओ, पूरा क्या करो एक ग्रुप बनाओ और ग्रुप बना के भेजो। तो उसके लिए ग्रुप जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है आधा घंटा एक घंटा क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, और जब ग्रुप आ जाएगा पूरा डिस्पैच होगा एक ही बार में, तब क्या होगा सेटल्ड होगा। और इसमें क्या होगा, रियल टाइम सेटल कर देगा, क्या करेगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, मतलब टोटल एक के बार में क्या कर देगा सेटल कर। आइए ग्रुप बनाएगा, ग्रुप अब ग्रुप 5 मिनट में बन के रेडी, मान के चलिए आप गए आप ही आखिरी थे, आप ही का इंतजार हो रहा था, सटाक से भेज देगा आपको, तो फटाक से पैसा कैसे पहुंचेगा, थोड़ा टाइम लगाएगा। एनईएफटी में ग्रुप बनता है, कुछ आपका चेक लेगा, कुछ और का लेगा, कुछ लोग 10-20 हो जाएगा, तब क्या करेगा एनईएफटी करे। ये सेम वैसे ही है जैसे आप कभी जाते हैं तो गाड़ी में सवारी भरने के लिए वेट करना पड़ता है, एक सवारी दो सवारी, चलो इधर मुगल सवारी है यहाँ पे, उसके बाद सवारी नहीं आया तो टेम्पू स्टार्ट कर देगा, धान धान चलो हो खुल तो खुल जाए। सेम वैसे ही क्या है एनईएफटी, ग्रुप बनाएगा, सवारी भरेगा, ले जाएगा। एगो गाड़ी होता है रिजर्व, क्या होता है रिजर्व, तनी ज्यादा पैसा लो अल्ले चलो, उसे क्या कहेंगे रिजर्व, रिजर्व वाला वेट करता है। तो आरटीजीएस क्या है, रिजर्व दिए निकाल दिया, दिए निकाल। आइए आपको पता है कि रिजर्व में ज्यादा पैसा लगता है, तो 2 लाख से कम रहेगा तो आरटीजीएस नहीं करते हैं, समझ में आ गया कि नहीं आएगा, उसे ज्यादा का होना चाहिए। फॉर्म भरने को आता है, उसमें फॉर्म भरना होता है, उसमें डिटेल की किसके किसके भरिएगा, उसमें फॉर्म भरना होता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, उसे साइन इन करना होता है। तो आरटीजीएस समझ में आ गया, किसी को दिक्कत, हाँ इसमें 2 लाख रहेगा तब तो रिजर्व करेगा, 10 रुपया देकर टेम्पो रिजर्व करेगा, रिजर्व करने के ज्यादा पैसा लगेगा, यहाँ पे 2 लाख दिए खटाक से निकाल दिया। किसी को 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर करना है क्या करेगा, एनईएफटी, आप एनईएफटी भी लिखिएगा ना तो आरटीजीएस कर देगा, क्योंकि दोनों का फॉर्म एक ही होता है, एनईएफटी अब्लिक करके लिखता है आरटीजीएस, 2 लाख से कम हुआ तो एनईएफटी में डाल देगा, उससे ज्यादा हुआ तो किसमें डाल देगा, फटाक से भेज। आप लोग का पैसा किससे आता होगा, कि किसी का आरटीजीएस से भी आता है जी, आरटीजीएस बड़े अमाउंट के लिए होता है। अब इसमें कभी कभी आरबीआई पता चला, हम लोग को जब तक हमको आइडिया था 2 लाख का है, पता चला कल को सोचा आरटीजीएस का दायरा घटा के 1 लाख कर देगा, तो फिर ओइसन कोनो पकड़ लेगा किसी अकाउंटेंट को, किसी को अकाउंटेंट को पकड़ लिया तो खकोरेगा, वो 2 लाख का है 1 लाख है। अरे बैंकिंग में तो हर 3 महीना पे अपडेट आता है, सबसे तेजी से क्या चेंज होता है बैंकिंग, जो रेपो रेट बताया कल को कोई और रहेगा, नहीं समझे, किसी को दिक्कत, आरटीजीएस समझ में आ गया। कितना पैसा पे चेकबुक देता है, जितना पे मांग लीजिए, उसका एक रिक्वेस्ट फॉर्म आता है, उसको रखिएगा रिक्वेस्ट पर चेकबुक तो दे देगा चेकबुक, उसका पैसा काटता है, फ्री में नहीं देगा वो उसका पैसा ले लेगा आपको।